न्यूज़ सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन के रोल के लिए परफेक्ट है ये हसीना है। दिव्यांका के तो पीछे पड़े थे मेकर्स। टीवी का हिट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा सालों से दर्शकों के दिल पर राज कर रहा है, इसलिए सीरियल में गोकुल धाम वासियों की मजेदार कहानी दिखाई जाती है जिसमें ढेर सारे किरदार हैं और फैंस हर एक्टर को बेहद प्यार करते हैं। इस सीरियल में सबसे ज्यादा दया बहन के किरदार में नजर आई दिशा वकानी को फैंस ने खूब प्यार किया है। दिशा का अंदाज और बोलने का स्टाइल हर किसी को ध्यान खींच लेता है, लेकिन एक्ट्रेस काफी समय पहले एक्टिंग को अलविदा कह चुकी है। दिशा वकानी के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन के रोल में कई एक्ट्रेस नजर आई। हालांकि मेकर्स ने कुछ अभिनेत्रियों को अप्रोच किया है जो इस रोल में एकदम परफेक्ट लगेगी। काजल पिसल टीवी की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है जो कि सीरियल में साइड रोल में नजर आई है। काजल ओटीटी पर भी एक्टिव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरियल में मेकर्स ने काजल को दया बहन के लिए अप्रोच किया था। ऐश्वर्या खरूजा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेकर्स दया बहन की खोज कर रहे हैं और इसी बीच एक रिपोर्ट सामने आई थी कि इस रोल के लिए मेकर्स ने टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरूजा को अप्रोच किया था। एक्ट्रेस ने इस रोल के ऑडिशन भी दिया। राखी बिजन एक्ट्रेस राखी बिजन सीरियल में अपने चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती है। उनके किरदार फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ऐसे में दावा था कि राखी भी दया बहन में दिख सकती है। एक्ट्रेस इस किरदार को शानदार तरीके से निभा सकती है। एमी त्रिवेदी इन दिनों सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है मंजरी बिरला का किरदार निभा रही है। कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स एमी को दया बहन बनाने की तैयारी में है। हालांकि यह कुछ भी बात नहीं बनी थी। दिव्यांका त्रिपाठी इस लिस्ट में सबसे शॉकिंग नाम दिव्यांका त्रिपाठी का है जिन्हें भी मेकर्स ने दया बहन के किरदार के लिए अप्रोच किया था। हालांकि दया बहन ने रोल के लिए अप्रोच एक्ट्रेस ने मना कर दिया। वह पहले से ही स्थापित रोल को नहीं करना चाहती थी। बता दें कि दिशा वकानी ने लंबे समय से दया बहन के किरदार टीवी स्क्रीन पर निभाया है, लेकिन साल 2017 में उन्होंने सीरियल को अलविदा कह दिया। दिशा ने प्रेगनेंसी के बाद एक्टिंग से ब्रेक लिया था। शुरुआती दिनों में कहा जा रहा था कि दिशा वकानी मैटरनिटी लीव के बाद सीरियल को फिर से ज्वाइन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेकर्स ने अभी भी उन्हें शो में लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सई के डूबते करियर को बचाएगा सत्या, पत्रलेखा से तलाक मांगेगा विराट। स्टार प्लस के धमाकेदार सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी इन दिनों काफी दिलचस्प हो गई है। नील भट्ट और आयशा सिंह स्टार गुम है किसी के प्यार में पत्रलेखा ने सई को घर से निकालने के लिए हर एक कोशिश और हर पैंतरा अपना लिया है, लेकिन वही सई भी उस कोशिश को नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीते दिनों गुम है किसी के प्यार में देखने को मिला कि पत्रलेखा कोर्ट रूम में सई पर घिनौने इल्जाम लगाती है कि सई विराट के साथ साथ विनू को भी उससे अलग करना चाहती है। इसके साथ ही वह सई की डॉक्टरी को कलंक करार देती है। हालांकि आयशा सिंह गुम है किसी के प्यार में आने वाले मोड़ यहीं पर खत्म नहीं होते। गुम है किसी के प्यार में देखने को मिलेगा कि सत्या कोर्ट रूम में पाखी से पूछता है कि सई उसे कैसे इंसान लगती है। नफरत की आग में पाखी सारी भड़ास निकाल देती है कि सई उसे बहुत बुरी लगती है और सई ने उसका घर तोड़ने की कोशिश की। पाखी यह तब तक बोल देती है अगर सई मेरा परिवार छीनेगी तो मैं उसका सब कुछ छीन लूंगी। डॉक्टर सत्या इस बात को पकड़कर साबित कर देते हैं कि पाखी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। सत्या के प्रयासों से सई और पुलकित निर्दोष साबित होते हैं, जबकि पाखी के मुंह की खानी पड़ती है। आयशा सिंह गुम है किसी के प्यार में देखने को मिलेगा कि सई के केस जीतने के बाद विराट की सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। काकू उससे पूछ बैठेगी कि वह सई से प्यार करता है या नहीं। पहले तो विराट जवाब देने से कतराएगा, लेकिन काकू उसे अपनी कसम देगी। इस पर विराट अपने दिल की बात कह देगा कि वह जाहिर करेगा कि सई के पास होने से उसे सुकून मिलता है। हालांकि विराट यह भी कहता है कि अपने प्यार के चक्कर में जिम्मेदारियों को नहीं भूल सकता। गुम है किसी के प्यार में एंटरटेनमेंट का डोज यहीं पर खत्म नहीं होता। शो में जल्द ही देखने को मिलेगा कि पाखी विराट से नई शुरुआत करने की के लिए कहेगी, लेकिन विराट उससे बताएगा कि वह पाखी के साथ नहीं बल्कि सई के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। विराट पाखी से यह कह
तक देगा कि उसे अलग होकर अपनी नई दुनिया बसाना चाहता है। हालांकि टीवी शो गुम है किसी के प्यार में देखना ही दिलचस्प होगा कि विराट के इस फैसले से सई का क्या रिएक्शन होगा। अनुज को माया के पास देख पागल हुए दर्शक। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टार अनुपमा इन दिनों दर्शकों के दिमाग में दही किया हुआ है। शो में अनुज और अनुपमा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। अनुपमा के फैंस भी दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं, जहां कुछ दर्शक अनुज कपाड़िया को सपोर्ट कर रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स अनुपमा का समर्थन कर रहे हैं। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में लेकर दर्शकों को मेकर्स की क्लास लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं आज शो में अनुज को माया के साथ देखकर मेकर्स ने दर्शकों का गुस्से की आग को और भी बढ़ा दिया है। लोगों ने मेकर्स पर उन्हें डिप्रेशन में डालने तक का आरोप लगाया है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के अनुपमा आज एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुज भटकते हुए मुंबई पहुंच जाता है और माया की कार से टकरा जाता है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा बदहवासी की हालत में अपने माँ के घर पहुंच जाती है, जहां कांता माँ उसे देखकर परेशान हो जाती है। बदहवासी की हालत में भी अनुपमा और अनुज की फिक्र सता रही होती है, लेकिन दूसरी ओर छोटी को देखकर कि अनुज चैन की सांस लेता है और उस पर ढेर सारा प्यार भी लुटाता है। वही माया इस चीजों का फायदा उठाने का फैसला करती है और अनुज के साथ घर बसाने को भी सपना देखती है। अनुपमा के 29 मार्च के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दर्शकों का माथा ठलकता नजर आएगा। एक यूजर ने मेकर्स पर तंज कसते हुए लिखा, मुझे अनु या अनुज के बारे में तो कोई मालूम नहीं है, लेकिन इस शो को रोजाना देखकर दर्शक जरूर पागल हो जाएंगे। वहीं अन्य यूजर ने लिखा, अगर छोटी के खातिर अनुज ने माया के साथ रहने का फैसला किया तो लोगों का प्यार से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि अनुज ने ही मोहब्बत वाला प्यार हमारे दिल में जगाया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइकू फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।